स्वागत है आपका हमारे चैनल कंचन टीवी में। और हम इस टाइम मौजूद हैं एसडीएम ऑफिस में, जहां पर गंदे पानी की समस्या को लेकर गौशाला संचालक अपनी समस्या को लेकर एसडीएम ऑफिस में आए हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दा है। इस मामले में उनसे बात हुई है जी। इस मामले में समय समय पर उनका किसी भी तरह का कार्यक्रम गौशाला में हम जल्द से जल्द करवाते रहते हैं, और वो सफीदों के स्थायी निवासी होने के कारण वो गौशालाओं में जल्दी से जल्दी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर उन्होंने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपने उनसे पहले कभी ज्ञापन सौंपा उनको इस बात को लेकर? इस मामले में बहुत बारी अवगत कराया गया है। हम सभी साथी गौशाला में उनके कार्यक्रम भी करते रहते हैं, उनको सूचित करते हैं, वह इनवाइट करते हैं, और सभी समस्याएं उनके रूबरू होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। और जो दूसरी समस्या है वो क्या समस्या है? दूसरी हमारी यह समस्या, हम प्रशासन से मांग करते हैं, गौ सेवा दल के सभी साथी आज रात को भी 1 बजे ये अपने पुलिस लाइन के साथ में लगते नाले में गोवंश को निकालने का कार्य करते हैं, रात को 2-2 बजे गौ माताओं को मिट्टी देने का कार्य करते हैं, जिनके मृत शरीर को कुत्तों से बचाने का कार्य करते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी भी नगर पालिका द्वारा या आयोग द्वारा या सफीदों प्रशासन के द्वारा किसी तरह की जेसीबी और हेड्रे मशीनों की हमें सहयोग करवाने का कार्य नहीं किया गया है। तो दूसरा ज्ञापन है उसके बारे में बताइएगा जरा। जी, दूसरा ज्ञापन आज का हमारा ये है, जो आप सभी जानते हैं कि आज भारतवर्ष में एक जो संतों की जान पर आफत बनाई है।